मेरा मानना ये है कि आप इंग्लिश जानते हैं। पहला वाला एपिसोड में मैंने यही बात आपको बताया है, मगर इश्यू ये है कि आप 20 वर्ड्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो 20 वर्ड्स क्या है? Is, am, are, was, where, will, shall, have, has, had, do, does, did, may, must, might, would, could, should, can. अगर आप ये 20 वर्ड्स पक्का जान जाएंगे तो मैं 100% आपको अश्योर करूंगा कि आप इंग्लिश में विदाउट डिफिकल्टी बात कर पाएंगे। आज मैं आपको एम का मतलब समझाऊंगा। एम का मतलब क्या है आप बोलिए हिंदी में। अगर आपका मदर टंग हिंदी नहीं है तो उर्दू है या बंगाली है या मराठी है, उसी में आप सोच के बताइए कि एम का मतलब क्या है। बोलिए, अभी आप सोच रहे हैं कि एम का मतलब माने आई, करेक्ट? तो अभी आपने ये सोचा कि एम का मतलब आई है, ये आप गलत बोल रहे हैं। एम का मतलब आई नहीं, एम का मतलब अभी हूं, अब हूं, आई एम गोइंग। तो am आएगा तो I am के साथ ing आएगा 99.99%। बोलिए मेरे साथ, I am going। मैं अभी जा रहा हूं या जा रही हूं। आप ऐसा मत बोलिए कि मैं जा रहा हूं, जा रही हूं। Going सिर्फ काम का रूप बताता है, इंडिकेशन देता है सिर्फ फॉर्म ऑफ एक्शन के बारे में। I am bowling बोलेंगे तो going टेंस नहीं है, am के वजह से going प्रेजेंट टेंस में आई एम गोइंग दिखेगा। आपको ये पता नहीं चल रहा है कि जो गोइंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेंस है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि गोइंग क्या है तो आप बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। गोइंग प्रेजेंट टेंस में नहीं है। गोइंग सिर्फ एक काम जो है उस काम जिस रूप में है उसका इंडिकेशन देता है। आपको आई एम गोइंग जब आप बोलेंगे आप तो वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। किसी से भी आप जाके पूछ लीजिए कि गोइंग कौन सा काल में है तो वो बोलेंगे वो प्रेजेंट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है अगर वो माइनर है। तो आपको ये जानना चाहिए अभी कि एम का मतलब अब है, अब हूं है। तो इसका प्रैक्टिस आप कीजिए। और नेक्स्ट वन, याद रखिए कि यहां पे सिर्फ आप इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं पाएंगे, इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक एबिलिटी। उसका मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? तो आपका आंसर क्या है? आप बोलेंगे यस। आप थैंक्स नहीं बोलेंगे। तो जब आप किसी से बात करते हैं, स्पेशली आप प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में आप ऑफिशियली बात करेंगे ना, तो आप गुड इंग्लिश, आपको ऑफिशियल इंग्लिश यूज करना पड़ेगा। और जब आप वर्क फ्लोर पे जब ऐसा किसी के साथ भी व्यवहार करेंगे तो आपको ये 100% याद रखना चाहिए कि आपका जो सोच है वो सिर्फ इंग्लिश में मैं उत्तर दूंगा ऐसा नहीं है। आपको गुड इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक एबिलिटी आपका जो है वो आप दिखाना है, जो लैंग्वेज पे ग्रिप है ना उसे आप सबको दिखाना है। तो आप बोलेंगे नो थैंक्स। यहां पे आप इंग्लिश के साथ साथ लिंग्विस्टिक एबिलिटी भी दिखा रहे हैं और कॉन्टेम्पररी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नॉर्म भी आप यहां मेरे साथ सीखेंगे। अगर मैं आपके साथ काम करने वाला एक कोलीग हूं तो मैं बोलूंगा व्हाट हैपेंड यस्टरडे? तो आप बोलेंगे यस्टरडे रवि डिड नॉट कम, देयर वाज नो पावर, वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। राहुल वॉज नॉट हियर, अविनाश वॉज ऑल्सो एब्सेंट, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। आपको सिर्फ इतना बोलना चाहिए कि सर 80% डन, 20% बाय वेडनेसडे। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।